सीधा आपको लिए चलते हैं बागेश्वर धाम, सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी, छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भाई और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मतलब स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया, मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे, तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैं इनका शादी कब है, बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे, और तभी मन में भाव आया क्या एक शादी हम नहीं कर सकते, और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की, तो इतना आनंद प्राप्त हुआ मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया, हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों ना करे। सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति बोझ नहीं बनेगी वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलके सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त, और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई, एक योजना और बन गई लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12000 रुपया, और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया, और कई बार पति की डांट भी खा लेती चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बे वक्त जरूरत पड़ेगी तो पति देव से भी कहेगी कि ले ओ, ये रखें ले जाओ, उनका काम भी चला देगी, और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग,
और कर्म मार्ग तीन मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यह बैठे जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंगद नल नील जामवंत हनुमान दुविध सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कहकर सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। और ये कहकर अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया, दूसरा मोती निकाला देखा तोड़ा फेंक दिया, तीसरा मोती निकाला देखा तोड़ा फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या गया, इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे। मैया बोली बेटा बजरंग बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है। तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी का मैं और झूठ, दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला। बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो, और मोती तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो। बोले हाँ। तो बोले शरीर से प्यार करते हो कि नहीं। बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है। तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह है भक्ति मार्ग, इस पर जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त गरीब मध्यम वर्गी, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग, जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, यह पवित्र संकल्प है। मैं संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच मैं आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं, आशीर्वाद तो संत देंगे। मैं तो यही कहता हूं मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव। हेलो, बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन बाबा बागेश्वर धाम में किया जा रहा है, जहां 125 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा।
और इसी दौरान मंच से संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया और साथ ही साथ बाबा बागेश्वर धाम का भी जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है जहां 125 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाएगा। की ओर से सभी बेटों को शेरवानी, बेटियों को एक सा लहंगा भी भेंट किया गया था। इसके साथ ही इस आयोजन 121 कन्याओं का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम जिसका आयोजन बागेश्वर धाम में किया जा रहा है, तमाम साधु संतों की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री भी इस मंच पर विराजमान, सांसद बीडी शर्मा भी इस मंच पर विराजमान और तमाम देश भर से आए साधु संत टीवी कूलर सोफा बेड भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हो रही है, इससे पहले मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और अपनी योजनाओं का जिक्र किया, उन तमाम योजनाओं का जो विशेषकर बेटियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, चाहे फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, इन तमाम योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और अपने अनुभवों को भी इस मंच से साझा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार जब से सजा है तब से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासी चेहरे इस मंच पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मंच पर पहुंचे थे और अब सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के सहयोगी सांसद पीडी शर्मा के साथ इस मंच पर मौजूद हैं। न सिर्फ सियासी चेहरे बल्कि देश के कोने कोने से साधु संतों का भी समर्थन बागेश्वर धाम को मिल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रहा है और वो भी मंच पर मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर कन्याओं का विवाह संपन्न किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने डालें, प्रारंभ करें। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मितामोम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्पशवे देवाः शान्तर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्सुशान्तिर्भवतु। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाँ, सभी लोग बरभी बरमाला पहना दें। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृहम स्मरामि लावस्ते साम जयस्ते साम कुतस्ते साम पराजया एषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, नव पार्वती पदये हर हर महादेव। ये दिव्य और मनोरम क्षण हैं जो अपनी आंखों में समाने के योग्य हैं। बेटियों ने वरमाला डालकर इस
नए जीवन का प्रारंभ कर दिया है भारत के महापुरुषों ने, पूज्य साधु संतों ने उनके जीवन में शुभकामनाओं रूपी पुष्पों की वर्षा कर दी है। और वो थालियां जो भेंट स्वरूप बागेश्वर धाम परिवार इन बेटियों को सौंप रहा है, वो थालियां भी इनके हाथों में पहुंच रही हैं। और अगले जोड़े के रूप में अगली पंक्ति में सब लोग जल्दी से खड़े हो जाएं। रामचंद्र भगवान की पूज। महाराज बद्रीनाथ बल महाराज नीचे की तरफ बैठा दें उन बेटियों को, बस वहीं रोक दें, नीचे की तरफ बैठा दें इन बेटियों को और बाकी रोक दें। साइमन जी जी, तो 125 कन्याओं के विवाह का आयोजन बाबा बागेश्वर धाम में किया जा रहा है। और न सिर्फ विवाह करवाया जा रहा है बल्कि जिन बेटियों की शादी हो रही है उन्हें भेंट स्वरूप टीवी, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, सोफा सेट, ये सब कुछ बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से दिया जा रहा है। किचन का सामान, ये तमाम जो भेंट हैं वो बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से कन्याओं को दी जा रही हैं। ये वो तमाम कन्याएं हैं जिनके परिवार सक्षम नहीं हैं, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उन्हीं कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जा रहा है तमाम साधु संतों की मौजूदगी में। बस इतने ही जुड़े रहेंगे वहां। तो एक हफ्ते का ये दिव्य दरबार बाबा बागेश्वर धाम का, जिसमें सियासी चेहरों के साथ साथ तमाम बड़े बड़े साधु संतों की मौजूदगी भी समय समय पर देखने को मिल रही है। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर 125 गरीब कन्याओं का विवाह इस पंडाल में संपन्न कराया जा रहा है। और न सिर्फ विवाह संपन्न कराया जा रहा है पूरे विधि विधान के साथ, बल्कि जिन कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम की तरफ से करवाया जा रहा है उन बेटियों को और इन्हें उनकी शादी में भेंट भी दी जा रही है। विवाह समारोह में अमूमन शादियों में जब बेटियों को विदा किया जाता है तो उनके साथ सामान भी अपनी बेटियों के लिए माँ बाप देते हैं, और उसी सामान का आयोजन बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से भी किया गया है। वो सामान जो घर गृहस्थी से संबंधित हैं, वो तमाम सामान बागेश्वर धाम की तरफ से इन तमाम बेटियों को दिया जा रहा है। इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य तो ना सिर्फ पूरे देश से बल्कि विदेश से भी जो साधु संत हैं वो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम में आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये बेटियां आज अपने तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम को लगातार साधु संतों का समर्थन मिल रहा है। और न सिर्फ साधु संत बल्कि अब तमाम सियासी दलों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनके कैबिनेट के सहयोगी प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, बल्कि इससे पहले हमने विपक्षी दलों के भी कई नेताओं को इस कार्यक्रम में देखा। इन बेटियों का मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस दिव्य दरबार की शुरुआत में ही पहुंचे थे बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर मौजूद हैं और वो तमाम जोड़े जिनकी शादी का आयोजन बाबा बागेश्वर धाम में किया गया है उन्हें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विवाह कार्यक्रम के साथ साथ नए नवेले जोड़ों को बागेश्वर धाम की तरफ से भेंट भी दी जा रही है। नंबर से 50 नंबर तक के जो बेटियों के क्रमांक नंबर है उनको पुनः और भेज दिया जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और इस दिव्य क्षणों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित इस
विवाह महोत्सव में सम्मिलित तो होकर इस आयोजन की गरिमा को और चार चांद लगाए हैं। हम अगली पंक्ति को आमंत्रित करते हैं जिनका तो कुल 125 गरीब कन्याएं जिनके विवाह का आयोजन बागेश्वर धाम के इस दिव्य दरबार में किया जा रहा है और अपने क्रम के अनुसार जो तमाम जोड़े हैं वो आगे आ रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ उनके शादी को संपन्न करवाया जा रहा है, उनके विवाह की तमाम विधियों को संपन्न करवाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।